नमस्ते हर हर महादेव। तो हमेशा की तरह अब की बार फिर हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं एक और एडवेंचर पे। और जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं स्पीति वैली में। जी हाँ, जो हमारी फेवरेट जगह है और जहाँ पर हम 11वीं बार जा रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं सफर पे और राइट नाउ हम हैं परवाणु में। और अब की बार हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं और हमारे साथ जा रहे हैं एज ऑलवेज स्पीति। जब हम जाते हैं तो आप लोगों का इतना प्यार होता है, जो लोग हमारे वीडियोस देख देख के भी बोलते हैं साथ चलना है। तो ऐसे ही कुछ हमारे फेवरेट पीपल अंदर वेट कर रहे हैं जो खाना खा रहे हैं। तो चलिए आप लोग उनसे मिलवाते हैं। और बताते हैं कि फिलहाल रात के 9:30 बज रहे हैं। हम लोगों ने सफ़र दोपहर के 1 बजे स्टार्ट किया था दिल्ली से। चंडीगढ़ सबकी गैदरिंग हुई है और हम लोग परवानों पर डिनर करके अब अपने सफ़र के लिए यहाँ से निकलेंगे। ओवरनाइट जर्नी में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे लेकिन सुबह होगी जी हाँ नारकंडा में, और आपको दिखाएंगे वहाँ के भी खूबसूरत नज़ारे। और हमारे कपड़े देखकर आपको लग ही रहा होगा कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो बने रहिए वीडियो में। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि ये हमारा 11th स्पीति ट्रिप है, और जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि स्पीति कितना खूबसूरत है कि हर बार यहाँ जाने को मन करता है और यहाँ से मन नहीं भरता है। तो अगर आप लोग इंडिया के किसी भी कोने से अपनी स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी स्पीति ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, कितने दिन की ट्रिप प्लान करनी है, कहाँ कहाँ आपको स्टॉपेज लेना है, और अगर स्पेशली आप विंटर स्पीति करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। तो वीडियो में बने रहे और हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देते रहें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हमारी सुबह जो हुई है वो बिल्कुल तरंडा माँ का जो मंदिर है उसके सामने ही हुई है। इतनी बार हम लोग आए हैं लेकिन हम भी इतना पास नहीं आ पाए हैं, तो आपको सुबह दर्शन कराते हैं माँ के। और हम इतनी बारिश रूट पर आए हैं लेकिन इतनी जल्दी हम आज तक नहीं पहुंचे कि हम रात को सोए और हम सुबह कल्पा पहुंच गए हैं। इसके चक्कर में हम आपको बीच में राणा ढाक भी नहीं दिखा पाए, लेकिन हम लोगों ने हालांकि आपको पुरानी वीडियो से कोशिश कर लिया रिलेट करवाने की। और अभी हम लोग बहुत ही जल्दी अराउंड 45 मिनट में पहुँचने वाले हैं अपने होम स्टे में। पता नहीं वो बंदे प्रिपेयर्ड भी हैं कि नहीं कि हमें इतनी जल्दी रिसीव करने वाले हैं, लेकिन अब भैया इतनी एक्सप्रेस स्पीड से लेकर आए हैं, मज़े आ गए। तो अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कल्पा के नज़ारे। फिलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। फिलहाल हम लोग हैं किन्नौर की भावा वैली में, और एज यूजुअल जो रोड है वो खाली है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो विंटर्स स्पीति एक्सपीडिशन करते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो करीब -15 से -20 डिग्री रहता है। लेकिन हम लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चल रहे हैं स्पीति में, और फिलहाल जो है आज का हमारा जो फर्स्ट डे का स्टे है वो रहेगा कल्पा में। तो अभी जस्ट हम आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच ही जाएंगे करीब 9 बजे के आसपास। चलिए आपको आगे रास्ते के व्यू दिखाते हैं। और ये है हमारे भैया जावाज ड्राइवर जो इतनी जल्दी हमें कल्पा पहुंचा देंगे। स्पीति पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक शिमला और कल्पा के थ्रू और दूसरा मनाली होते हुए रोहतांग पास के थ्रू। लोगों को ऐसा लगता है कि स्पीति विंटर्स में बंद हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। कुंजम पास और रोहतांग पास बंद होने की वजह से मनाली वाला रास्ता बंद होता है, लेकिन शिमला वाला जो रास्ता है वो 365 डेज खुला रहता है।
जब भी आप लोग अपना स्पीति ट्रिप प्लान करें तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि स्टार्टिंग का फर्स्ट डे और लास्ट डे काफ़ी एग्जॉस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस दिन आपको सबसे मैक्सिमम डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं। तो आप लोगों को पर्सनली रेकमेंड करेंगे कि अगर आप लोगों को हैवी स्नो में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है तभी आप अपनी गाड़ी लेकर स्पीति में जाइए, अदरवाइज आप प्रेफर कीजिए कि आप वहीं के किसी लोकल टूर ऑपरेटर से ट्रैवलर ले लें या फिर उनकी कार में ट्रैवल करें। नॉर्मली स्पीति के जितने भी आप टूर या पैकेजेस लेते हैं वो या तो शिमला से स्टार्ट होते हैं या चंडीगढ़ से स्टार्ट होते हैं, तो इन एनी केस आपको दिल्ली या चंडीगढ़ बेस लोकेशन के लिए पहुंचना ही पड़ेगा और उसके आगे कल्पा तक का सफ़र आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, तो जो फर्स्ट डे है वो नॉर्मली काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और इतनी ठंड में बड़ी मशक्कत के बाद हमें सूर्य देवता के जो है दर्शन हुए हैं और फिलहाल हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं कच्छम डैम। हमें स्पीति ट्रिप पे काफी सारे लोग मिले जिनको बहुत ही हैरानी हुई थी, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि हम लोग भी स्पीति ट्रिप का बैच ले जाते हैं, और वो बहुत दुख मना रहे थे कि वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड है तो आप नीचे दी हुई आईडी पे हमें अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जब भी हम लोग ट्रिप प्लान करेंगे हम लोग आप लोगों को रिवर्ट डेफिनेटली करेंगे। आखिरकार हमें स्नोई माउंटेन्स दिखने शुरू हो गए हैं, किन्नौर कैलाश रेंज दिखाते हैं आपको भी। हालांकि आप लोगों को ये पहाड़ काफ़ी सूखे लग रहे होंगे, लेकिन ये ऑफ लेट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस टाइम दिसंबर में ऐसे दिख रहे हैं, अदरवाइज हमेशा दिसंबर में ये पहाड़ सफ़ेद हो चुके होते थे। और अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं टापरी विलेज को, जिन लोगों ने हमारी हाईएस्ट कृष्णा टेंपल की जो वीडियो है जिसमें हमने आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट कृष्णा टेंपल दिखाया था युल्ला कांडा के नाम से जो फेमस है, तो उनको पता होगा टापरी के बारे में। तो काफ़ी लोग उस ट्रैक के बारे में हमसे पूछते रहते हैं, तो अगर आपको टापरी विलेज में रुकना है तो हम यहाँ पर होटल प्राग मगम में रुके हुए थे, आप यहां पर रुक सकते हैं टापरी में, और चाहें तो आप युल्ला खास जो विलेज है वहां पर भी आपको इक्का दुक्का होमस्टेज मिल जाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि आप वो ट्रैक जो है वो विंटर्स में अवॉइड ही करें। और ये है टापरी विलेज और नीचे वाला रास्ता जाएगा होटल प्राग मगम को। हाँ, बसेस भी खड़ी है, आप कोई भी ओवरनाइट बस ले सकते हैं जो दिल्ली से रिकांगपियो जाती हो, या फिर आप शिमला से भी ले सकते हैं, आप टापरी उतर सकते हैं, और टापरी से है जो आप यहाँ से बुलेरो करके युल्ला विलेज जो कि बेस कैंप है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। टापरी जो है किन्नौर में अपनी लैंडस्लाइड्स के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, मॉनसून के टाइम में आपको काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स यहां पर देखने को मिलती हैं। और जस्ट हमने अभी आपको टापरी की खासियत ही बताई थी, लैंडस्लाइड, और रास्ते में लैंडस्लाइड हो गई है जिसकी वजह से हम लोग रुक गए हैं, सारी गाड़ियां यहाँ पर रुकी हुई हैं। तो सिचुएशन ये हुई है कि जेसीबी जो पत्थर उठाने गई हुई थी आगे रोड पे, उसी का टायर पंचर हो गया है, तो अभी जेसीबी वापस आई है, टायर पंचर ठीक हो गए यहाँ पे और उसके बाद फिर दोबारा जाएगी पत्थर उठाने। और करीब एक घंटा वेट करने के बाद फाइनली जो जैम है वो खुल गया है, लैंडस्लाइड क्लियर कर दी गई है और गाड़ियाँ आनी जानी शुरू हो गई हैं, हम लोग भी फिलहाल बैठ रहे हैं। आपको बता दें कि जनवरी से लेके मार्च तक का जो पूरा पीरियड होता है विंटर स्पीति का, इसमें टेम्परेचर रात तक अराउंड -20 चला जाता है, तो लोग हमसे पूछते हैं आखिर बहुत बार कि आप क्या कपड़े पहने, तो आपको बता दें कि को एक ही गोल्डन रूल है कि आपको बहुत सारे कपड़े लेयरिंग में पहनने हैं, कोई भी एक जैकेट जो आपको क्लेम करे कि वो आपको -10 -20 बचाती है वो आपको काम नहीं आएगी। और आखिरकार धूप के दर्शन हो ही गए हमें। और अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक बेहद ही खूबसूरत डैम को, जिसका नाम है कच्छम डैम, जो कि बना हुआ है सतलुज रिवर और बसपा रिवर पर। बसपा रिवर जो आती है बसपा वैली साइड से, और सतलुज आपकी जो तिब्बत से आती है वो भी आपको दिखाते हैं।
लोगों को सांगला, रक्षम, बदसेरी या फिर चितकुल जाना है तो आप करछन डैम पर उतर सकते हैं। यहाँ पर आप HRTC की बस भी ले सकते हैं, वहाँ से आपको आगे सांगला के लिए बस मिल जाएगी। हम लोग तो आगे अभी रिकांगपी हो जाएंगे और फिर वहाँ से कल्पा का सफर तय करेंगे। और जो सामने आपको डैम नजर आ रहा है ये है करछम डैम, और यहाँ से अगर आप रास्ता लेते हैं तो आगे चितकुल सांगला की तरफ रोड निकल जाता है, लेकिन हम जाएंगे सामने, जो सीधा रास्ता है वो ले जाएगा हमें कल्पा की तरफ, स्पीति वैली की तरफ। और अभी आपको संगम दिखाते हैं बसपा रिवर और सतलुज रिवर का। सामने वाली रिवर है वो है बसपा रिवर। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग क्रॉस करने वाले हैं शोंगटोंग ब्रिज को, और जिसके साइड में जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है तंगलिक विलेज को, जो कि किन्नौर कैलाश यात्रा का बेस कैंप है। और सामने है तंगलिक विलेज जिसने हमारी यादें ताजा कर दी है, क्योंकि इसी साल अगस्त के महीने में हमने किन्नौर कैलाश यात्रा की थी। सो अभी हम लोग ले रहे हैं डायवर्जन, सामने वाला रास्ता चला जाएगा काजा को और ऊपर वाला रास्ता रिकांगपियो और उसके बाद कल्पा। आपको बता दें कि हम लोगों ने अपनी डे वन का ट्रिप में कल्पा रखा, लेकिन मोस्टली पैकेजेस के अंदर लोग आपको सांगला और चितकुल साइड ले जाते हैं। अगर आप लोगों ने वो साइड कवर कर रखा है तो आप उससे भी पहले सराहन रुक सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है, उसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पियो और यहाँ से किन्नौर कैलाश रेंज के शानदार नज़ारे देखने शुरू हो गए हैं हम लोगों को। तो यहाँ से जस्ट हमें 15 मिनट लगेंगे कल्पा पहुँचने में, वहाँ से भी आपको नज़ारे दिखाते हैं। अगर आप लोग ये जर्नी बस से करना चाह रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि मोस्टली स्पीति के लिए पूरे साल बस सर्विसेज मिलती हैं, अनटिलनेस बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई हो जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, बस तब बसेस नहीं चलती हैं। अगर आप इस टाइम पे हमारी तरह दिसंबर में स्पीति का एक्सपीडिशन करना चाहते हैं तो आपको बस कश्मीरी गेट दिल्ली से मिल जाएगी, लेकिन फर्स्ट डे के एंड में आपको रेकिंगपियो पे ही अपना फर्स्ट का स्टॉप लेना पड़ेगा। तो ये है रिकांगपियो और यहाँ से हम लोगों को लेना है लेफ्ट टर्न कल्पा के लिए, जिस तरफ ये बस मुड़ रही है। आपको बता दें कि रिकांगपियो किन्नौर का हेडक्वार्टर है और पूरे किन्नौर में कहीं भी जाने के लिए आपको यहाँ से बस सर्विसेज इजीली मिल जाएंगी। अगर आप लोग दिल्ली कश्मीरी गेट से बस से रिकांगपियो पहुँचते हैं तो आप यहाँ उतर कर आगे कल्पा और रोगी विलेज के लिए बसेज ले सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब दिसंबर के महीने में कल्पा में स्नोफॉल नहीं हो रही है, एंड ऑल थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग। देखते हैं आज रात का प्रेडिक्शन है वैसे तो स्नोफॉल का क्या कुछ रहता है, अगर स्नोफॉल होती है तो वो भी दिखाएंगे आपको। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कल्पा और हमने अपनी प्रॉपर्टी में चेक इन कर लिया है। काफी कोजी स्टे रहेगा हमारा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे साथ काफी सीन हो गया है, जहां हम रुके हैं वहां पे पाइपलाइन टूट गई है तो पानी आ नहीं रहा है, खाना बना नहीं है और बज गए हैं दोपहर के 1। नहीं, हमने खाने का अरेंजमेंट कर लिया है, लेकिन तब तक हम लोगों को दिखाने ले जा रहे हैं। मीनवाइल आपको सबसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत, हमारे साथ दीपक जी, इंट्रोडक्शन, हमारे साथ है नैना और उनकी प्रिय सखी अलका, प्रिय सखी ये मेरी, हमारे साथ है रवि, ये है लतिका और ये है निखिल और जो कि मेरे सीनियर है और एक जूनियर भी अंकित, जूनियर भी है जो मेरे स्कूल में थे। कोइंसिडेंटली ट्रिप पे आके पता चला सब लोगों के बारे में, जूनियर सब मिल रहे हैं यहाँ पे, और सलोनी और एक और है वो अभी आ रही है तैयार होके मनाली। तब तक हम लोग लोकल एक्सप्लोर कर रहे हैं कल्पा को, टेम्पल वगैरह मोनेस्ट्री वगैरह हुबालान कर दिखाएंगे और सुसाइड पॉइंट जो है देखते हैं थोड़ी देर में जाएंगे। और खाने का बहुत बहुत बेसब्री से वेट हो रहा है, तो खाने का भी वेट कर रहे हैं कि कॉल आ जाए खाने का, तब तक चलिए चलते हैं।
हम लोग यहाँ पर जिस जगह रुके थे उसका नाम है द फोर्ट व्यू और वो मोनेस्ट्री के बिल्कुल एकदम साथ में अटैच थी और यहीं से एकदम पास में आपको देखने को मिलता है नारायण नागिनी मंदिर। तो बेसिकली जो दोनों जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो बिल्कुल आपको वॉकिंग पड़ी और यहीं हमारे होटल से ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे किन्नौर कैलाश रेंज के, जिसको हमने आपको बहुत पास से शिवलिंग जी के दर्शन भी करवाए हैं। जिन लोगों ने अब तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जो चौथी कैलाश यात्रा हम लोगों ने की है, ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे इस जगह के। इस टाइम पे वैसे भी कल्पा बहुत खूबसूरत हो रखा है, ठंड वाले जो विंटर लैंडस्केप है उसके लिए एकदम आइडियल टाइम है आने के लिए। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लाउडी हो चुका है और जो स्नोफॉल प्रेडिक्शन है आज रात का, तो क्लाउड्स को देख के लग रहा है कि स्नोफॉल हो जाएगी, होपफुली हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। बहुत अमेजिंग पिक्चर्स कराएं ग्रुप पिक्चर्स। और अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे और खाना फाइनली तैयार हो गया है। उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश अप होंगे और आपको आगे की अपडेट देते हैं। राइट, तो चलिए चलते हैं। हमारा तो मस्त बन गया। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं वहां पे जहां से हमने किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू की थी। जी हाँ, उस होमस्टे में जहाँ हमारे लिए अच्छा भोजन बना हुआ तैयार रखा है भैया ने, तो हम खाने का वेट कर रहे हैं। और पार्ट्स में होगा तो पहले लड़कियां खाएंगी फिर लड़के खाएंगे, हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि अलका चल कर आए। तो हम लोगों का खाना हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल पे। भैया की कृपा से बड़ा अच्छा खाना मिल गया, प्लेन सात्विक, आलू की सब्जी, जीरे वाली दाल जो हम खाते हैं आपको पता ही है, रोटी बस। अब प्लान क्या है आएगा कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट फिलहाल ठंड होगी और हमारे होटल में पानी आ गया होगा तो हम कुछ अपना फ्रेश होने का इंतज़ाम करते हैं। तो ये वनेश्वरी हम लोगों ने आपको पहले भी दिखाई है, जब हमने आपको कल्पा का पूरा वीडियो दिखाया था। इसे हुबालांकर वनेश्वरी कहते हैं और जहाँ हम रुके हैं बिल्कुल उसके सामने ये है, बिल्कुल 10 कदम वॉकिंग। तो आपको वनेश्वरी दिखाते हैं। और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है हमारी कल्पा में। हालांकि कल रात को स्नोफॉल प्रेडिक्शन था बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट, लेकिन फिर भी स्नो नहीं हो रही है। काफ़ी दुख की बात है कि पूरा महीना हो गया है, ऑलमोस्ट डेली स्नोफॉल हो रही है बोले जा रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। एनीवेज हम आपको दिखाना चाहते हैं, मैं चल के आ रही हूँ स्टूडियो पे सबसे ऊपर पहले फ्लोर पे आपको ये नज़ारे दिखाने के लिए कि कितना सुंदर व्यू है सामने। वनेश्वरी मंदिर एकदम सामने है, पहाड़ एकदम सामने है, सनराइज़ होने की तैयारी में है रेंज के ऊपर, देखिए। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, फ्रेश हो गए हैं और मौसम मेहरबान है, ठंड वाइज बेयरेबल ठंड है, जितनी एक्सट्रीम लगती है उतनी नहीं लगती है। हालांकि ऊपर किन्नौर कैलाश रेंज के ऊपर ज़बरदस्त व्यू हो रखा है, पूरे बादल ने सारा कब्जा कर रखा है रेंज के ऊपर। खैर अभी का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग आपको ले चलेंगे सुसाइड पॉइंट पे, रोगे विलेज पे, वो दिखाते हुए हम लोग निकलेंगे नाकू की तरफ जिसमें आपको हम बीच के जो पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए फिर इस जर्नी को शुरुआत करते हैं, अपना लगेज को हम लोग डालते हैं ट्रैवलर के अंदर। हम लोग कहाँ पे हैं, क्या जगह का नाम? कल्पा, कहाँ से आप लोग? कल्पा से। क्या नाम है आपका? सोनिया। आपका क्या नाम है? आयशा। आपका? कायरा। आपका? मिलन। ओके, तो ये है ब्यूटीफुल कल्पा और यहाँ के खूबसूरत लोग और बच्चे
तो चलिए अब आगे का अपना सफर जारी करते हैं, आपको दिखाते हैं सुसाइड पॉइंट। तो हम लोगों ने अपना सफर जो है वो शुरू कर दिया है सुसाइड पॉइंट के लिए, दिखाते हैं आपको शानदार नजारे। और जो किन्नौर कैलाश रेंज है वहां पर तो स्नोफॉल होनी शुरू हो चुकी है। कल्पा से सुसाइड पॉइंट की जो दूरी है आपको करीब आधा घंटा लग जाएगा वहां पहुंचने में। और अगर आप लोग जो अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे हैं और बस लेना चाहते हैं तो एक बस भी है जो रोगी विलेज को जाती है, तो आप उतर सकते हैं सुसाइड पॉइंट के लिए वहां पर और बस से भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप लोग कल्पा में आते हैं और दो तीन दिन का रिलैक्सिंग स्टे प्लान कर रहे हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप सुसाइड पॉइंट तक डेफिनेटली स्ट्रॉल करके जा सकते हैं। इस स्ट्रॉल को करने में आपको करीब 45 मिनट से एक घंटा लग सकता है, पर जो रास्ता है वो बहुत ही सैनिक है और आप उसको थॉरली एंजॉय करेंगे। और किन्नौर कैलाश रेंज का नजारा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर जो स्नोफॉल हो रही है वो भी आप लोगों ने देखी होगी, काफी ज्यादा ठंड हो गई है फिलहाल। आप लोग अपना एक दिन चाका मेडोज के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। ये एक हाइक है जहाँ पे आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। ऊपर जाइए, वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं आप लोग और वापस आइए, लेकिन कैंपिंग के लिए आपको प्रॉपर किसी लोकल को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली सुसाइड पॉइंट पे, जहाँ पे रिसेंटली अब आई लव किन्नौर का बोर्ड लग गया है। आप लोग आएंगे तो आपकी मैंडेटरी पिक्चर क्लिक होगी यहाँ पे। लेट मी शो यू। हाय गर्ल्स, हेलो, हाय, और ये हैं अंकित जी अपना काम करते हुए। एनीवे, कहीं से भी आप कूदोगे, हाइट इतनी जबरदस्त है कि और कोई एंड होना नहीं है ह्यूमन लाइफ का। बट एनीवे, जस्ट बिकॉज आप एक प्लेस पर आए हो, आपके लिए कुछ चीज़ें होती हैं देखने के लिए, तो ये उनमें से डेफिनेटली वन ऑफ द लैंडमार्क्स है जो आप लोगों को कवर करना चाहिए। यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे भी आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ड्रोन उड़ाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन तब भी आप लोगों के लिए हम लोगों ने एरियल शॉट्स लिए हैं और आशा करते हैं आप लोग इनको एंजॉय करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक दें, कमेंट करें और अपने लोगों में डेफिनेटली शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे कल्पा से खूबसूरत नाको विलेज में। तब तक के लिए देखते रहिए और हर हर महादेव जपते रहिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को जो सुसाइड पॉइंट है यहाँ के ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी और ऊपर से जीपीएस भी नहीं था, तो सारा मैनुअली मोड में ऑपरेट किया है। तो हम लोगों का यहाँ से हो चुका है, अभी हम लोग चल रहे हैं अपना सफ़र आगे नाको के लिए जारी कर रहे हैं।